दिनांक 9/8/2019 को पुलिस थाना गोडागोडजी में एक रिपोर्ट दर्ज हुई कि छोटू राम द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें न्यायालय के अंदर हमने 10 गवाहों के बयान करवाए और 29 दस्तावेज पेश किए, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 IPC में दोषी माना गया। सजा के बिंदु पर हमने ये तर्क दिया कि अभियुक्त का अपराध अपने पिता की हत्या करने का है और अपने पिता की हत्या उस समय की गई है जब वो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है और उसको अपने पुत्र के सहारे की आवश्यकता है। उसमें उसने एक निर्ममता से दातले से वार करके गर्दन काट के उसकी हत्या की है, तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में माना है कि यह जघन्य अपराध है और समाज को एक आवश्यक संदेश जाएगा, इसलिए मृत्युदंड की मांग करना बलहीन नहीं है। लेकिन अभियुक्त को ये जब तक जीवन पर्यंत जेल की चारदीवारी में रहेगा तो उसको एहसास होगा कि उसने क्या कृत्य किया, तो उसको जीवन पर्यंत तक कठोर कारावास की सजा का दंडादेश दिया गया है, साथ 10,000 रुपये जुर्माने का दंडादेश दिया गया है।